हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। तो आज हम वेक्टर कैलकुलस का यूनिट टू स्टार्ट करते हैं। यूनिट टू में हम सबसे पहले देखेंगे ग्रेडियंट क्या होता है और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसके बाद डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, और उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लैप्लासियन क्या होता है, हम इन सबकी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। आप देखोगे ना, ये सारी बिल्कुल सिंपल सिंपल इसकी आइडेंटिटीज होती है। अगर आप किसी आइडेंटिटी में कंफ्यूज होगी ये कैसे आए, तो आप सिंपल अगर आप डेफिनेशन से जाओगे ना, तो आप देखोगे कि इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। और आप पिछले लास्ट 10 ईयर्स के भी क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना इस सेक्शन से, तो आप देखोगे कि मतलब क्वेश्चन ईजी होते हैं। और उसके बाद मैं आपको ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी और ग्रीन्स सेकंड आइडेंटिटी, तो फ्रेंड्स इन दोनों आइडेंटिटीज को जानने के लिए ग्रीन्स थ्योरम का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जब मैं आपको फ्रेंड्स ग्रीन्स थ्योरम बता दूंगा ना, उसके बाद मैं आपको ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी और ग्रीन्स सेकंड आइडेंटिटी भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट से। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेडियंट तो मैंने लास्ट अपने लेक्चर्स में ग्रेडियंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया है। तो ग्रेडियंट मतलब आप देखो, इनपुट स्केलर फील्ड और इसका जो आउटपुट होता है ना फ्रेंड्स, आउटपुट वो होता है वेक्टर फील्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि अगर आपको कोई बोले कि ये एक स्केलर फील्ड है, इसका आप मुझे ग्रेडियंट निकालो, तो यानी कि इनपुट हमारा क्या है, स्केलर फील्ड, और आउटपुट हो गया वेक्टर फील्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये जो साइन है ना फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। ये इक्वल होता है डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो मेरे पिछले लास्ट वाले वीडियोस थे उनमें मैं छोटे छोटे वर्ड्स लिख रहा था कई बार, तो अब से मैं मतलब बड़े बड़े वर्ड्स लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ है ना, उसे हम ये लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो आप, ये क्या हो गया, स्केलर फील्ड, और जो हमारा आउटपुट है फ्रेंड्स वो हो गई एक वेक्टर फील्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो अगर आपको कोई बोले कि इस वेक्टर फील्ड का ग्रेडियंट निकाल के दो मेरे को, ये एक वेक्टर फील्ड है एफ, इसका ग्रेडियंट निकाल के दो, तो आप उसको बोल सकते हो कि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फील्ड का ही निकलता है, वेक्टर फील्ड का नहीं निकलता। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब एफ अगर टू वेरिएबल फंक्शन हो, मान लो कि एफ अगर एक्स वाई हो, तो मेरा जेड कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। जैसे सपोज करो एफ मेरे पास है केवल एक्स स्क्वायर वाई, तो जब मैं डेल एफ ओवर डेल जेड करूंगा फ्रेंड्स, तो जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इसका एक या दो एग्जांपल लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करता हूं। जो मेरी सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज ऑलवेज नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फ्रेंड्स ये जो लाइन है ना, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं, बहुत सारे, एक एक करके बात करते हैं। देखो f of x, y, z बराबर constant, यानी कि मैंने थ्री वेरिएबल फंक्शन को किसी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल रख दिया। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये एक लेवल सरफेस होती है। ये मैंने आपको बताया है, मेरी जो सेकंड वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप थ्री वेरिएबल फंक्शन को किसी कांस्टेंट के इक्वल रख देते हो, तो आपको लेवल सरफेस मिल जाती है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये मेरा एफ एक्स वाई जेड हो गया और ये मेरा कांस्टेंट हो गया, तो ये मेरी एक स्फीयर की इक्वेशन मिल गई। यानी कि यहां पर जो लेवल सरफेस है ना फ्रेंड्स, वो मेरा एक स्फीयर है।
अब देखो, अब अगर मैं ग्रेडिएंट, अब देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं कि अब आपको वो केवल यही इक्वेशन दे दे लेवल सरफेस की और बोले कि आप इस पर मुझे नॉर्मल नॉर्मल वेक्टर लिख के बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो एफ है ना फ्रेंड्स, तो अब ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होगा यहां पर, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू 2x, तो 2x आई कैप, वही करते हैं ना फ्रेंड्स हम। ग्रेडियंट ऑफ एफ का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप, ठीक है फ्रेंड्स। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया, 2x आई कैप प्लस, अब विद रेस्पेक्ट टू 2y हो गया 2y जे कैप, और विद रेस्पेक्ट टू जेड हो गया फ्रेंड्स 2z के कैप, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है ना, ये इस स्फीयर के नॉर्मल हो गया। तो यानी कि अब ये आप भूलना मत फ्रेंड्स, जब मैं सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चन करवाऊंगा ना, और मुझे जब नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको सीधे बोलूंगा, देखो ग्रेडियंट ऑफ एफ ये हो गया। अब फ्रेंड्स अगर मेरे को यूनिट नॉर्मल निकालना है, तो देखो अब अगर मेरे को यूनिट नॉर्मल निकालना है तो सिंपल सी बात है कि ये नॉर्मल वेक्टर है, तो यूनिट नॉर्मल कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ का कैप इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब अगर मैं यहां पर निकालूं तो ग्रेडियंट ऑफ एफ का अगर मैं फ्रेंड्स कैप निकालूं, तो वेक्टर तो ये रहा मेरा फ्रेंड्स 2x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप डिवाइडेड बाय, अब इसका जो अब वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है फ्रेंड्स, अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं 4 कॉमन ले लूंगा, 4 में कॉमन ले सकता हूं, तो 4 ऐसे आ गया फ्रेंड्स। अब ये जो 4 है ना फ्रेंड्स, अब इसको मैं अंडर रूट के बाहर लूंगा तो 2 आ जाएगा फ्रेंड्स, और 2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि मुझे इस बार जो ग्रेडियंट ऑफ एफ का कैप है ना फ्रेंड्स, वो मिल जाएगा तो इस केस में मेरे को ग्रेडियंट ऑफ एफ का कैप मिल गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यहां से हो जाएगी। अब देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां से हो जाएगी फ्रेंड्स 3। तो यानी कि अगर आपको वो स्फीयर की इक्वेशन दे देना तो, और आपको वो नॉर्मल वेक्टर पूछे, तो आप फ्रेंड्स सीधे ये लिखना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन, और नीचे रेडियस की वैल्यू लिख देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो सरफेस इंटीग्रल में जब भी मुझे एन कैप की जरूरत पड़ेगी और मेरे पास इक्वेशन स्फीयर की होगी, तो मैं वहां सीधे ये यूज करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मेरी ये हमें समझ में आ गई कि ग्रेडियंट ऑफ एफ हमेशा नॉर्मल होता है इसके, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पर ये मैंने स्फीयर लिखा है, हम और कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी भी सिमिलर है इसके, जैसे देखो फ्रेंड्स सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेम वही कि जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है ना फ्रेंड्स, ये ऑलवेज नॉर्मल होता है किसके, नॉर्मल टू द लेवल कर्व एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर, सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट। अब देखो फ्रेंड्स, जब हम टू वेरिएबल फंक्शन को किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल रख देते हैं तो हमें लेवल कर्व की इक्वेशन मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, अब आप जानते हो ये मैंने बताया है जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक पैराबोलॉइड की इक्वेशन होती है फ्रेंड्स। जब आपने इसको किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल रख दिया तो अब आपको कर्व मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब अगर ये हाँ, अब परपेंडिकुलर और नॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बेसिकली परपेंडिकुलर 2D का मतलब 2 डायमेंशन में बात करते हैं, और जो नॉर्मल होता है उसे हम किसी भी डायमेंशन में बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जस्ट ये सिमिलर टर्म्स ही होती है। तो अब देखो, अब आप यहां पर जब ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालोगे तो 2x i कैप, ग्रेडियंट ऑफ एफ का फार्मूला क्या होगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स i कैप डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स ये हमारा एफ है इस बार, 2x i कैप प्लस
तो है ही नहीं, तो वो हमारा कंपोनेंट जीरो हो गया फ्रेंड्स। तो यानी कि अब आपको ये समझ में आ गया ना ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है और ग्रेडियंट की दो प्रॉपर्टीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अब तीसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से सुनते हुए चलना फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको लगभग सारी प्रॉपर्टीज बताने की कोशिश करूंगा और ये आसान है कि मतलब इनको सभी कर देते हैं फ्रेंड्स, है ना। अब थर्ड प्रॉपर्टी मैं बताता हूं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। फ्रेंड्स ये जो प्रॉपर्टी है ना ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की है, तो बस मैं आपको यहां पर लिखा रहा हूं, आप बिल्कुल अच्छे से नोट करते हुए चलें, एक एक प्रॉपर्टी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो जो हमारा फंक्शन होता है ना फ्रेंड्स, ये टू वेरिएबल भी हो सकता है और थ्री वेरिएबल भी हो सकता है, तो इस फंक्शन की जो वैल्यू में चेंज है ना वो मैक्सिमम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ और मिनिमम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो फ्रेंड्स हमने इस एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन भी किया था ना लास्ट क्लास में, तो वो क्वेश्चन क्या था मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, अब मैं वापस से तो नहीं उसको सॉल्व करवाऊंगा लेकिन आपको बता देता हूं। देखो एक टेम्परेचर का एक फंक्शन बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स, टी एक्स वाई जेड, वो कुछ इस तरीके से था एक्स वाई जेड वन माइनस एक्स टू माइनस वाई थ्री माइनस जेड। अब फ्रेंड्स जो एग्जामिनर है ना वो क्वेश्चन में यह पूछना चाह रहा था कि उसने एक पॉइंट दिया था फ्रेंड्स, जैसे उसने कुछ एक कोई पॉइंट दिया था एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट, ये पॉइंट है बी। तो फ्रेंड्स एग्जामिनर पूछना चाह रहा था कि जब आप इस पॉइंट पर हो ना तो जो द डायरेक्ट तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टी है ना फ्रेंड्स वो किस डायरेक्शन में मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टी है ना वो मैक्सिमम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टी और मिनिमम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टी। तो उसने कुछ ऐसा दिया था कि एक मॉस्किटो यहाँ पर लोकेटेड है, मॉस्किटो यानी कि कोई भी मच्छर वो इस पॉइंट पर लोकेटेड है, तो उसे किस डायरेक्शन में फ्लाई होना चाहिए कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना वो मिनिमम हो। तो यानी कि वो यही पूछना चाह रहा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टी कहाँ मिनिमम होगा, तो वो यहाँ मिनिमम होगा और यहाँ मैक्सिमम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप मेरी लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, मैंने वहां एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारी तीन प्रॉपर्टीज होगी फ्रेंड्स ग्रेडियंट की। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि ये जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है ना ये परपेंडिकुलर क्यों होता है फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके मतलब परपेंडिकुलर ही क्यों होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करके बताता हूं इसको। देखो सपोज करो मेरे पास एक सरफेस की इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी दिखती है 3D के अंदर, मान लो ये सरफेस मेरे को ऐसी दिख रही है एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ एफ को डी आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है, देखो dr वेक्टर क्या होता है, ये होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अगर मेरे को किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लिखने हैं ना फ्रेंड्स, तो r वेक्टर होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो dr वेक्टर होता है ना फ्रेंड्स चेंज इन पोजीशन वेक्टर वो होता है dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो मैं पूरी जो लाइन इंटीग्रल होगी ना वहां dr वेक्टर को मैं इस तरीके से यूज करूंगा। तो अब मैंने यहां आपको बता दिया, अब आप भूलना मत फ्रेंड्स dr वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं कि dxi कैप dyj कैप और dzk कैप, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और ग्रेडियंट ऑफ f हम जानते ही हैं ये होता है, अब जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना फ्रेंड्स इसका और इसका, तो देखो क्या आएगा डेल f ओवर डेल x * dx + डेल f ओवर डेल y * dy + डेल f ओवर डेल y * dz, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये जो चीज है ना फ्रेंड्स ये जो क्वांटिटी है ये बताता है डी एफ
डीएफ यानी कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ एफ। तो ये हम पढ़ते हैं जब डिफरेंशियल पढ़ते हैं, हम डिफरेंशियल टोटल डिफरेंशियल ये इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है कि अगर एफ कोई थ्री वेरिएबल फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड, अगर मेरे को डिफरेंशियल निकालना है यानी कि एफ की वैल्यू में चेंज निकालना है तो मैं उसे ऐसे लिखता हूँ डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डी वाई और डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डी जेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो जो मेरा डी आर वेक्टर है ना फ्रेंड्स, अगर सपोज करो मैं यहां इस पॉइंट पर हूं पी और ये है मेरा ग्रेडियंट ऑफ एफ, और अगर मैं क्यू यानी कि अगर मैं पोजिशन वैक्टर में इस तरीके से चेंज कर रहा हूं कि मैं उसी सरफेस के ऊपर हूं फ्रेंड्स, ठीक है ये मेरा डी आर वेक्टर है, अगर मैं यहां से यहां आ गया ना फ्रेंड्स तो मेरी एफ की वैल्यू तो यहां पूरी जगह कॉन्स्टेंट है ना फ्रेंड फ्रेंड्स, तो डी एफ की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, और अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया और वो दोनों ही वेक्टर्स नॉन जीरो है फ्रेंड्स, तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो कि जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है वो परपेंडिकुलर होता है डी आर वेक्टर के। तो फ्रेंड्स जो हमारा एग्जाम होता है उसमें वो कभी प्रूफ नहीं पूछेगा आपको कि ये प्रूफ करके दिखाओ, लेकिन पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब आइए अब हम ग्रेडियंट के कुछ क्वेश्चन करते हैं और प्रॉपर्टीज लिखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r एंड कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ r, वेयर f इज अ फंक्शन ऑफ r और r फ्रेंड्स हमारा ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको करने से पहले जो कुछ लोग बिगिनर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं ताकि उन्हें कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो। तो देखो ग्रेडियंट ऑफ f क्या होता है, डेल f ओवर डेल, अच्छा पहले क्वेश्चन क्या है, f की वैल्यू दे रखी है फ्रेंड्स और वो ग्रेडियंट ऑफ f इस पॉइंट पर पूछ रहा है, और f हमारी स्केलर फील्ड है, मैंने बताया था ग्रेडियंट ऑफ f एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ग्रेडियंट ऑफ f हमारा होता है डेल f ओवर डेल x i कैप, डेल f ओवर डेल y j कैप और डेल f ओवर डेल z k, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जो ग्रेडियंट ऑफ f है वो अब देखो आप डेल f ओवर डेल x करोगे फ्रेंड्स तो yz स्क्वायर कांस्टेंट है और x क्यूब का 3x स्क्वायर yz स्क्वायर i कैप प्लस डेल f ओवर डेल y करोगे तो x क्यूब z स्क्वायर कांस्टेंट है फ्रेंड्स और y का वन हो जाएगा j कैप प्लस डेल f ओवर डेल z करोगे फ्रेंड्स तो x क्यूब y कांस्टेंट है x क्यूब y और z स्क्वायर का हो जाएगा फ्रेंड्स 2z, और मुझे इस पॉइंट पर निकालना है ना ग्रेडियंट ऑफ f 1 2 3 पर, तो मैं x की वैल्यू यहां 1 रख दूंगा और y की वैल्यू 2 रख दूंगा और z की वैल्यू 3 रख दूंगा तो मेरे को ग्रेडियंट ऑफ f मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स वो आप रख के देख लेना, तो ये आसान है, ठीक है। अब मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन r निकालना है, सिंपल सी बात क्या होगा, डेल ओवर डेल x ऑफ 1 अपॉन r i कैप प्लस डेल ओवर डेल y ऑफ 1 अपॉन r j कैप प्लस डेल ओवर डेल z ऑफ 1 अपॉन r k कैप, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स अब इसको ना मैं चैन रूल से सॉल्व करूंगा, अब ये जो r है ना r r की वैल्यू ये है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ना फ्रेंड्स 1 अपॉन r, इसमें r भी इसका फंक्शन है, तो देखना फ्रेंड्स चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है फ्रेंड्स fr और इसे मुझे विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो फ्रेंड्स मैं चेन रूल से कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, पहले मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करूंगा f'r, फिर मैं लिखूंगा डेल आर ओवर डेल एक्स, ठीक है फ्रेंड्स ये चैन रूल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला जो सवाल है वहां तो मुझे करना ही है डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ आर, अच्छा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप सेकंड पार्ट कर लो फ्रेंड्स, इसमें वैल्यू निकाल लो पर एफ की जगह बाद में ये रख देना। हाँ फ्रेंड्स तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसके बाद सेकंड पर मैं आऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैन रूल से ये होता है, तो अब यहां पर जो 1 अपॉन r है इसका विद रेस्पेक्ट टू r क्या होता है डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स, 1 अपॉन r का होता है फ्रेंड्स माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर डेल r ओवर डेल x से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा लास्ट में, ठीक है फ्रेंड्स आसान है ना। अब मैंने यहां 1 अपॉन r लिखा है, वो 1 अपॉन r की जगह 2r भी लिख सकता है, sin r भी लिख सकता है, वो जो उसको अच्छा लगेगा वो लिख सकता है फ्रेंड्स, बस
आपको करना ये है कि यहाँ f ऑफ r होगा, पहले उसको r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो 1 अपॉन r का माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर हो गया, और लास्ट में डेल r ओवर डेल x से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर हो गया, और विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो डेल r ओवर डेल y से मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स, और यहाँ डेल ओवर डेल z है फ्रेंड्स, इसलिए माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर और डेल r ओवर डेल z से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा आई कैप वाला कंपोनेंट था, ये मेरा जे कैप वाला कंपोनेंट है, और ये मेरा के कैप वाला कंपोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई और डेल आर ओवर डेल जेड, इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूं। देखो आर है मेरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेल आर ओवर डेल एक्स क्या होगा फ्रेंड्स, अब देखो यहां भी चेन रूल लगेगा फ्रेंड्स, अब मुझे इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है ना फ्रेंड्स पार्शियली, तो देखो अंडर रूट, अब इस अंदर वाली क्वांटिटी को आप यू मान लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंडर रूट यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट यू। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में जिसको यू मानते हैं उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, पार्शियली 2x। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ये डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जो बिगिनर्स है उनको प्रॉब्लम नहीं हो, जीरो लेवल के स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ में आए कि ये ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है। तो डेल आर ओवर डेल एक्स हो गया फ्रेंड्स एक्स ओवर आर, तो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये हर जगह से कॉमन आ जाएगा फ्रेंड्स। डेल आर ओवर डेल एक्स हो गया एक्स बाय आर आई कैप प्लस, अब इसी तरीके से जब आप फ्रेंड्स डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालोगे ना तो यहाँ वाई आ जाएगा, वो आप देख लेना, वो टफ नहीं है, मतलब वो सेम यही है। तो y अपॉन r j कैप प्लस z अपॉन r k कैप। ठीक है फ्रेंड्स, अब x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये हम जानते हैं कि ये हमारा r वेक्टर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो r है ना इसको कई बार ऐसे भी लिख देता है वो मॉडुलस ऑफ r, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब माइनस 1 अपॉन, अब मैं यहां से r भी कॉमन ले सकता हूं ना फ्रेंड्स, तो r स्क्वायर इंटू r और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो वेक्टर है ना मेरा फ्रेंड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको मैं आर वेक्टर लिख सकता हूं, तो आर वेक्टर, और ये आर है मॉडुलस ऑफ आर, तो अल्टीमेटली मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर निकालना है फ्रेंड्स, तो देखो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ आर इंटू आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ एफ ऑफ आर जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ एफ ऑफ आर के कैप। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा, अभी मैंने जस्ट आपको बताया इसका डिफरेंशिएशन होगा एफ डेस आर डेल आर ओवर डेल एक्स, इसी तरीके ये आई कैप, अब इसी तरीके से यहां भी एफ डेस आर डेल एफ ओवर डेल वाई और यहां भी एफ डेस आर डेल एफ ओवर डेल जेड, सॉरी एफ डैश आर डेल आर ओवर डेल वाई फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये आर का है, इसी तरीके से एफ डैश आर डेल आर ओवर डेल जेड, तो एफ डैश आर को मैं कॉमन ले सकता हूं फ्रेंड्स, तो डेल आर ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल आर ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल आर ओवर डेल जेड प्लस डेल आर ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है फ्रेंड्स, अब डेल आर ओवर डेल एक्स, इसकी वैल्यू जस्ट हमने अभी निकाली थी एक्स ओवर एक्स अपॉन आर, तो f डैश r x अपॉन r i कैप प्लस ये क्या हो जाएगा डेल r ओवर, सिमिलरली आप इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो y अपॉन r j कैप, क्योंकि फ्रेंड्स जब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा ना तो यहां पर 2x की जगह 2y आ जाएगा, तो फ्रेंड्स ये y अपॉन r हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो y अपॉन r j कैप प्लस z अपॉन r k कैप। अब ये जो r है ना फ्रेंड्स इसको मैं बाहर ले सकता हूं, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f डैश r अपॉन r, और इसको मैं लिख सकता हूँ
अंदर क्या बचा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसको मैं आर वेक्टर लिख सकता हूं, पर आर वेक्टर अपॉन आर क्या होगा, आर कैप, तो एफ डैश आर इंटू आर कैप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स, जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, वहां पर एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या थी, वन अपॉन आर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अब मैं डायरेक्ट यहां से भी कैलकुलेट कर सकता था कि मतलब एफ डैश आर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसके लिए माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, और लास्ट में आर कैप से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उसको वैसे भी कर सकता था। तो ये मेरे ग्रेडियंट के दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब फ्रेंड्स, ग्रेडियंट की कुछ आसान सी प्रॉपर्टी देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी आसान है, लेकिन आप अप्रोच देखना कि मतलब जब भी कोई प्रॉपर्टी दी जाती है ना, ये ट्रू है या फॉल्स है, चेक करो। तो हम कैसे चेक करते हैं, हम सीधे डेफिनेशन पे जाते हैं फ्रेंड्स, और फिर वहां से प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे से सॉल्व होती हैं। तो लिखो आप प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। तो कंटिन्यू करना जो पिछला जो भी नंबर था उसके बाद से। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट चार प्रॉपर्टीज हैं ग्रेडियंट की, फिर हमारा ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम डाइवर्जेंस देखेंगे, कर्ल देखेंगे, और फिर कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड देखेंगे। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी, ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ जी। यानी कि अगर दो स्केलर फंक्शन का एडिशन है ना फ्रेंड्स, तो डेल जो है ना, डेल इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने लिखा था ना फ्रेंड्स, डेल एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, हम ऐसे लिखते हैं कि डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड इंटू के कैप। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ लोग जो ये जो ऑपरेटर है ना फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। कुछ लोग इस ऑपरेटर की वैल्यू को ही ये लिखना पसंद करते हैं, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि जो डेल है ना, डेल डेल हमारा ये होता है, तो वो सही भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको एफ के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो आई कैप डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ ओवर डेल जेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं ना फ्रेंड्स, तो डाइवर्जेंस का जो नोटेशन है ना, वो होता है डेल का डॉट कर दो आप, जिसे आप वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकाल रहे हो, और जो कर्ल होता है फ्रेंड्स, कर्ल में या क्रॉस, वो हम अभी देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, पहले हम ये प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा डाइवर्जेंस और कर्ल ही है। अब फ्रेंड्स देखो, ये बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टी है। अब देखो, इसको प्रूफ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं केवल आई कैप के लिए बता रहा हूँ, आई कैप के लिए मैं लिखूंगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ प्लस जी प्लस, आप सिमिलरली जे कैप और के कैप में भी लिख देना। तो आई कैप में क्या हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल जी ओवर डेल एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप जे कैप में लिख देना, और जब आप इन टर्म्स को अलग अलग करके लिखोगे ना फ्रेंड्स, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप, और इसी तरीके से ये टर्म सेपरेट हो जाएंगे, तो यानी कि हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। ये आसान है फ्रेंड्स, देखो जे कैप में आ जाएगा डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस डेल जी ओवर डेल वाई प्लस के कैप में आ जाएगा डेल एफ ओवर डेल जेड प्लस डेल जी ओवर डेल जेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक दो और तीन, इन तीनों टर्म्स को साथ लिखोगे तो ये आ जाएगा, और इसको इसको और इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये तो प्रॉपर्टी मतलब आसान सी है, ये चारों, ये तो बस मतलब जो बिगिनर्स है उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो मतलब आसान सी। अब देखो, सी वन एफ और सी टू जी, यहाँ सी वन एंड सी टू क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अब इस, अगर कोई ये प्रॉपर्टी प्रूफ करना चाहे, ये फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि ये आसान है प्रॉपर्टी। तो देखो, ग्रेडियंट ऑफ सी वन एफ प्लस सी टू जी निकालना है फ्रेंड्स, तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ सी वन एफ प्लस सी टू जी आई कैप प्लस, इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं डेल ओवर डेल वाई लिख सकता हूँ, और ये मेरा जे कैप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस इसी तरीके से मैं डेल ओवर डेल जेड लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, सी वन एफ प्लस सी टू जी के कैप। ठीक है फ्रेंड्स,
अब जो C1 है यहां से मैं C1, अब मेरे को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x C1f, तो C1 कांस्टेंट है उसे मैं बाहर लिख सकता हूं, डेल एफ ओवर डेल एक्स इनटू आई कैप प्लस, इसी तरीके से फ्रेंड्स मेरे को डेल ओवर डेल वाई, यहां से C1 डेल एफ ओवर डेल वाई वाली टर्म मिल जाएगी जे कैप प्लस C1 डेल एफ ओवर डेल जेड वाली टर्म मिल जाएगी मेरे को यहां से फ्रेंड्स, और इसी तरीके से मैं जी के बारे में भी लिख सकता हूं कि C2 और डेल जी ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस C2 डेल जी ओवर डेल वाई के कैप प्लस C2 डेल जी ओवर डेल जेड के कैप, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो मेरी क्वांटिटी है C1 ग्रेड ऑफ f वो ये होगी, और जो C1 और C2 ग्रेड ऑफ g है वो ये होगी C2 ग्रेड ऑफ g। तो यानी कि ये आइडेंटिटी भी हमने प्रूव कर दी, ये बिल्कुल आसान आसान है फ्रेंड्स, आप जब डेफिनेशन लगाओगे ना सिंपल। अभी जैसे मेरे को ग्रेडियंट ऑफ एफ जी निकालना है फ्रेंड्स, तो मैं डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ जी प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ एफ जी प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ एफ जी, और फिर मैं चेन रूल लगाऊंगा ना फ्रेंड्स, जैसे मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप इनको प्रूफ कैसे करोगे, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ जी होगा ना फ्रेंड्स। अब देखो एफ भी एक स्केलर फंक्शन है और जी भी एक स्केलर फंक्शन है, हम जानते हैं कि अगर मेरे को किन्हीं दो फंक्शंस के डॉट प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होता है, पहले मैंने एफ को एज इट इज रखा, डेल जी ओवर डेल एक्स प्लस ये आई के वाला कंपोनेंट होगा ना फ्रेंड्स प्लस जी डेल एफ ओवर डेल वाई, ये मेरा आई कैप वाला कंपोनेंट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी तरीके से जो जे कैप वाला कंपोनेंट होगा ना फ्रेंड्स, वहां पर एफ इनटू डेल जी ओवर डेल वाई आ जाएगा, तो एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये बन जाएगा और एक एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको देख लेना, ये मतलब नॉर्म मतलब सिंपल सी चीज है। अब जैसे किसी को ये थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ बाई जी, तो ग्रेडियंट की डेफिनेशन लगाए, तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ बाई जी प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ एफ बाई जी प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ एफ बाई जी, ये मेरा आई कंपोनेंट होता है, ये मेरा जे कंपोनेंट होगा और ये मेरा के कंपोनेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जब वो इसको खोलेगा ना, इसको डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ बाई जी को, ये फ्रेंड्स डिवाइडेशन रूल है डिफरेंशिएशन में, ये हम पढ़ के आते हैं, तो और फिर वो सिंपलीफाई करेगा तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स g ग्रेड ऑफ f माइनस f ग्रेड g अपॉन g स्क्वायर, तो वो देख सकता है फ्रेंड्स। और ये प्रॉपर्टीज वो डायरेक्टली तो इतनी आसान प्रॉपर्टीज तो वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, पर फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि इनको प्रूफ कैसे करते हैं। तो हमारा ग्रेडियंट खत्म होता है, अब हम नया स्टार्ट करते हैं डाइवर्जेंस। अब देखो फ्रेंड्स डाइवर्जेंस क्या होता है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। इनपुट मतलब हम डाइवर्जेंस किस चीज का निकालते हैं, और डाइवर्जेंस निकालने के बाद हमें क्या मिलता है। तो इनपुट इस बार वेक्टर फील्ड होगा और आउटपुट हमें इस बार एक स्केलर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि अगर आपको कोई बोले कि ये मेरे पास एक स्केलर फील्ड है, क्या आप इसका डाइवर्जेंस निकाल सकते हो, तो आप उसको साफ बोलना नहीं, क्योंकि डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फील्ड का ही निकाला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं डाइवर्जेंस निकालते कैसे। तो देखो अगर मेरे पास एक वेक्टर फील्ड दी हुई है फ्रेंड्स f ऑफ x y z, ये आप जानते हो वेक्टर फील्ड क्या होती है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। ऐसे मैंने लिखा m x y z i कैप प्लस n x y z j कैप प्लस p x y z k कैप, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको पता है शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं m n और p, जहां m n और p स्केलर फंक्शंस है x y z के अंदर, और ये मेरा i कंपोनेंट है, ये मेरा j कंपोनेंट है, ये मेरा k कंपोनेंट है। तो फ्रेंड्स जो डाइवर्जेंस ऑफ f है ना, आप देखो इसका जो नोटेशन है वो ऐसे होता है, कुछ लोग यहाँ वेक्टर लगाते हैं और कुछ लोग यहाँ नहीं लगाते इस डेल ऑपरेटर के ऊपर। मैं बताऊंगा क्या होता है। देखो अगर ये जो डेल वाला साइन है ना, इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए मतलब बोल्ड लेटर्स में, तो कुछ लोग
वेक्टर लगाना प्रेफर नहीं करते, पर आप लगा देना ठीक है, और वह आपको क्लियरली मेंशन होगा कि हाँ ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो डाइवर्जेंस, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड एफ। अब देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इनपुट क्या हो गया हमारा वेक्टर फील्ड, आउटपुट क्या आएगा स्केलर, देखो कैसे आएगा स्केलर, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एम प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ एन प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल ओवर डेल जेड ऑफ पी। यानी कि फ्रेंड्स अगर मेरे को किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस अगर निकालना है ना, तो जो उसका आई कंपोनेंट है उसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, और जो मेरा जे कंपोनेंट है उसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है, और जो मेरा के कंपोनेंट है ना फ्रेंड्स उसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करना है। फ्रेंड्स इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखो मैं आपको डाइवर्जेंस बताऊंगा, कर्ल बताऊंगा और लैप्लासियन बताऊंगा, और इन तीनों की प्रॉपर्टी हम साथ में देखेंगे फ्रेंड्स। जो जैसे हमने ग्रेडियंट की लास्ट में देखी थी ना, वैसे ही मैं डाइवर्जेंस कर रहा हूँ लैप्लासियन, इन तीनों की मैं साथ में आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप नोट कर लो। हाँ अब देखो अगर के कंपोनेंट मेरा नहीं हो ना फ्रेंड्स, तो अगर मान लो के कंपोनेंट नहीं है, इसकी वैल्यू जीरो दे रखी है, तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है फ्रेंड्स। और एक आप नोट लिखो कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ अगर जीरो हो ना फ्रेंड्स, तो ये तो जो वेक्टर फील्ड होती है ना एफ, उसे हम बोलते हैं सोलेनोइडल। यानी कि फ्रेंड्स अगर वो हमें कोई वेक्टर फील्ड दे दे और पूछे कि ये सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड है या नहीं, तो आप उसका डाइवर्जेंस निकालना, अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ जीरो आ जाए तो वो हमारी वेक्टर फील्ड सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड हो जाएगी ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल पहले तो फ्रेंड्स एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद डाइवर्जेंस में एक बड़ी फेमस आइडेंटिटी है, मतलब मैं जब पिछले सालों के पेपर देखता हूँ ना, तो वो उस आइडेंटिटी को रिपीटेडली पूछते हैं, तो इसे एग्जांपल के बाद उस आइडेंटिटी को हम सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल आप ले लो, जैसे कोई मैं वेक्टर फील्ड लिख दूँ एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर मैं पूछूं कि इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकालो, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होगा फ्रेंड्स, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर जेड प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ जेड। फ्रेंड्स यहाँ कहीं मैंने आई कैप नहीं लिखा, जे कैप नहीं लिखा, के कैप नहीं लिखा, मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है फ्रेंड्स। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स वाई क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली करोगे तो वाई आ जाएगा, क्योंकि y कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, इसी तरीके से 2yz plus 1। तो फ्रेंड्स डाइवर्जेंस ऑफ f ये हो जाएगा। तो अगर वो पूछे कि क्या ये वेक्टर फील्ड सोलेनोइडल है, तो नहीं है, क्योंकि हमारा जीरो आंसर नहीं आया ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये देखो डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n r वेक्टर इक्वल टू एन प्लस थ्री, ये बड़ी फेमस आइडेंटिटी है, मतलब आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, ये आइडेंटिटी कितनी बार पूछी गई है। तो इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ, इसका भी मैं बिल्कुल जनरल वर्जन बताता हूँ पहले आपको। ये देखो आर वेक्टर वही हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन की, जो आर वेक्टर है ना फ्रेंड्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ठीक है फ्रेंड्स, और जो r है ना फ्रेंड्स उसको मैं अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बोल रहा हूं ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका मैं जनरल वर्जन प्रूफ कर क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन ही लिख दूं, आप क्वेश्चन कैलकुलेट डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर इनटू f ऑफ r ठीक है फ्रेंड्स। ये कोई भी फंक्शन है R, मतलब ये R का कोई भी फंक्शन है, यहाँ पर जो हमारा f of R है ना वो R की पावर n है। अब R की पावर n की जगह मान लो फ्रेंड्स वो यहाँ R square लिख देता,
साइन आर लिख देता, कुछ भी लिख सकता था यहाँ आर का फंक्शन, तो हम कैसे कैलकुलेट करते। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद हम इस पर आएंगे। तो देखो, अब मेरे को डाइवर्जेंस किस फील्ड का निकालना है। अब आर वेक्टर एफ ऑफ आर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एफ ऑफ आर इंटू एक्स, आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो, अब मेरा जो डाइवर्जेंस है ना फ्रेंड्स आर वेक्टर एफ ऑफ आर का, वो हो जाएगा फ्रेंड्स डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स, आई 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 कैप का जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू एफ आर इंटू एक्स, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस डेल ओवर डेल वाई, जो वाई कैप वाला आई सॉरी जो जे कैप वाला कंपोनेंट है ना फ्रेंड्स, एफ आर इंटू वाई, प्लस डेल ओवर डेल जेड एफ आर इंटू जेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एफ आर इंटू एक्स, इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करो। तो देखो, पहले एफ एफ आर का करते हैं एफ डैश आर चेन रूल से इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो चेन रूल बड़ी काम की चीज होती है फ्रेंड्स, और इंटू एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब एफ ऑफ आर को एज इट इज रखेंगे, एक्स का क्या हो गया वन, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से इन दोनों क्वांटिटीज का भी करेंगे। तो सिमिलरली जैसे मैंने एक्स के लिए किया है, वैसे ही मैं वाई और जेड के लिए भी कर दूंगा फ्रेंड्स। तो ये मेरा हो जाएगा एफ डैश आर डेल आर ओवर डेल वाई इंटू वाई प्लस एफ ऑफ आर, ये मैंने वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया फ्रेंड्स। अब मैं जेड के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो एफ डैश आर डेल आर ओवर डेल जेड इंटू जेड प्लस एफ ऑफ आर। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देखोगे ना, तो जो ये एफ ऑफ आर है ना, ये तीन बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू एफ ऑफ आर प्लस एफ डैश आर को अगर मैं कॉमन ले लूं, तो यहां से डेल आर ओवर डेल एक्स आ रहा है, यहां से डेल आर ओवर डेल वाई आ रहा है, और यहां से डेल आर ओवर डेल जेड आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में यहां पर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां वाई हो रहा है और यहां जेड हो रहा है, तो एक्स इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल आर ओवर डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल आर ओवर डेल जेड, ठीक है फ्रेंड्स। अब मेरे पास जगह नहीं बची फ्रेंड्स, इसलिए मैं ऊपर लिखता हूं इसको, ये आपने नोट कर लिया ना फ्रेंड्स। अब देखो, और जो डेल आर ओवर डेल एक्स है ना फ्रेंड्स, वो मैंने अभी बताया था कैलकुलेट करके एक्स बाय आर होता है, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू एफ ऑफ आर प्लस एफ डैश आर। अब ये एक्स अपॉन आर होगा, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जो डेल आर ओवर डेल एक्स है उसकी वैल्यू होती है एक्स अपॉन आर, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करके बताई थी। सिमिलरली डेल आर ओवर डेल वाई वाई अपॉन आर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी जेड अपॉन आर, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 into f of r plus f dash r upon r, और x square plus y, अब मैंने r बाहर ले लिया, और जो x square plus y square plus z square है ना friends, इसको बोलते हैं हम r square, ठीक है friends। अब r से r cancel, r square से एक power, मतलब ये नीचे r है ऊपर r square है, तो मैंने एक power cancel कर दी, ठीक है friends। तो आप देखोगे friends, जो zero level का student है उसको भी समझ में आ रहा होगा, thrice f of r plus r into f dash r, ठीक है friends। यानी कि ये जो वेक्टर फील्ड है ना फ्रेंड्स, इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू एफ ऑफ आर प्लस आर इंटू एफ डैश आर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आओ फ्रेंड्स, अब जादू करते हैं, अब मुझे इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकालना है ना फ्रेंड्स। तो देखो, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर, तो क्या हो जाएगा ये, देखो जब यहाँ एफ ऑफ आर था ना, तो यहाँ थ्री इंटू एफ ऑफ आर आ रहा है, एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या है आर की पावर एन, तो क्या आ जाएगा थ्री इंटू आर की पावर एन प्लस आर इंटू एफ डैश आर, और जो एफ डैश आर है यानी आर की पावर एन का विद रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएशन, वो क्या हो जाएगा एन आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, आर की पावर
आर की पावर एन माइनस वन और आर, ये क्या हो जाएगा आर की पावर एन, यहाँ भी एक आर की पावर एन है, आर की पावर एन कॉमन ले लिया, थ्री प्लस एन। तो फ्रेंड जो मेरा इसका जो डाइवर्जेंस है ना इस वेक्टर फील्ड का, आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर, इसको फ्रेंड्स ऐसे लिख मतलब अच्छा लगेगा, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू आर वेक्टर क्या हो गया एन प्लस थ्री आर की पावर एन, ये मैंने प्रूफ करके बता दिया। अब फ्रेंड्स अब आप पिछले सालों के क्वेश्चन देखोगे ना उसमें कैसे पूछते हैं, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे पूछते हैं कि इफ डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो देन एन की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स। तो आप बता सकते हो अगर ये वाली क्वांटिटी जीरो आ रही है ना फ्रेंड्स, तो आर को हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये तो जीरो है नहीं फ्रेंड्स, तो इसको ही जीरो होना पड़ेगा, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, तो एन की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी माइनस थ्री। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी फ्रेंड्स, लास्ट ईयर जेम 2018 में भी आइडेंटिटी पूछी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको डाइवर्जेंस के बारे में बताया कि डाइवर्जेंस क्या होता है, और एक चीज आप मत भूलना, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, अगर किसी वेक्टर फील्ड का जीरो है तो उस वेक्टर फील्ड को हम सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड बोलते हैं। अब हम फ्रेंड्स कर्ल के बारे में देखते हैं, और फिर जब हम कंबाइन सीख लेंगे ना ये क्या होता है, तो उसके बाद आपको मैं प्रॉपर्टीज भी इनकी डिस्कस करवा दूंगा। तो देखो कर्ल, कर्ल इसके अंदर जो इनपुट होता है ना फ्रेंड्स वो एक वेक्टर फील्ड होती है फ्रेंड्स, और किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालेंगे ना फ्रेंड्स तो जो आउटपुट है ना वो भी एक वेक्टर फील्ड ही मिलेगी। यानी कि फ्रेंड्स अगर आपको कोई बोले कि मेरे पास ये एक स्केलर फील्ड है क्या आप इसका कर्ल निकाल सकते हो, आप मना कर देना, क्योंकि कर्ल तो हम हमेशा वेक्टर फील्ड का ही निकालते हैं और हमें आउटपुट भी वेक्टर फील्ड ही मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो कर्ल का फॉर्मूला बड़ा आसान सा है यार, कर्ल देखो पहले नोटेशन देखते हैं, मान लो कोई एक वेक्टर फील्ड है वी, हमें इसका कर्ल निकालना है, तो डेल क्रॉस वी, फ्रेंड्स ये जो नोटेशन है वेक्टर फील्ड का जनरल, आप वी भी लिख सकते हो, एफ भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो कर्ल ऑफ वी क्या होगा, जो जो फ्रेंड्स वी है ना वेक्टर फील्ड, अब फ्रेंड्स इसको आराम से समझना अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स, जो जीरो लेवल का स्टूडेंट होगा ना उसको भी समझ में आएगा। तो देखो वी वेक्टर अगर मैं लिख दूं वी वन आई कैप प्लस वी टू जे कैप प्लस वी थ्री के कैप, और ये जो वी वन वी टू वी थ्री है ना फ्रेंड्स ये फंक्शन है, यानी कि इसको ऐसे लिख दो यार, v1 x y z i cap प्लस v2 x y z k cap j cap सॉरी प्लस v3 x y z k cap, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो कर्ल ऑफ v का मतलब क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है डेल ऑपरेटर का और v का। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ये जो ऑपरेटर है ना इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। तो ये जो वेक्टर है ना फ्रेंड्स और ये जो वेक्टर है इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वही कर्ल होता है। अब आप जानते हो कि कोई वेक्टर ए वेक्टर है और कोई वेक्टर बी वेक्टर है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ये फ्रेंड्स हम 11th 12th में पढ़ के आ चुके हैं। हम एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, यहाँ आई कैप लिखते हैं, जी कैप लिखते हैं, यहाँ के कैप लिखते हैं, यहाँ इस वेक्टर के कंपोनेंट लिखते हैं, तो इस वेक्टर के कंपोनेंट में डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड, ठीक है फ्रेंड्स। और जो वी वेक्टर है उसके कंपोनेंट से वी वन वी टू वी थ्री, तो उनको यहाँ लिखेंगे वी वन वी टू वी थ्री। अब आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा कर्ल ऑफ वी, क्या हो जाएगा आई कंपोनेंट हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा डेल वी थ्री ओवर डेल वाई माइनस डेल वी टू ओवर डेल जेड, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, अगर आई कैप की निकालनी है फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम को हटाया
ठीक है फ्रेंड्स, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, माइनस जे कैप डेल वी थ्री ओवर डेल एक्स माइनस डेल वी वन ओवर डेल जेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा जे कैप कंपोनेंट आ गया, डेल वी थ्री ओवर डेल एक्स माइनस डेल वी वन अपॉन डेल जेड। अब मेरे को के कैप कंपोनेंट लिखना है फ्रेंड्स, तो प्लस के कैप वो क्या होगा, डेल वी टू ओवर डेल एक्स माइनस डेल वी वन ओवर डेल वाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि आई कंपोनेंट ये होगा, जे ये होगा, के ये होगा। आप सिंपल, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं आपको इस ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कल के सवालों में अटकेंगे, बस आपको पता होना चाहिए निकालते कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लो मेरे पास टू डायमेंशनल वेक्टर फील्ड है तो उसका कर्ल क्या होगा, जैसे जैसे फ्रेंड्स अगर मेरे पास कोई एक वी वेक्टर है एम एक्स वाई आई कैप प्लस एन एक्स वाई जे कैप, तो अगर आप फ्रेंड्स इस वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालना चाहते हो ना, देखो क्या होगा, कर्ल ऑफ वी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। इस बार हमारे पास के वाला कंपोनेंट है नहीं तो हम उसको जीरो मान लेंगे, तो यहां लिख दिया एम, यहां लिख दिया एन और यहां लिख दिया जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, और जो m और n है ना मेरे, इस बार x और y के ही फंक्शंस हैं, क्योंकि जो मेरी वेक्टर फील्ड है वो टू डायमेंशनल वेक्टर फील्ड है, तो vxy। तो जब अब देखो फ्रेंड्स, अब आप इसमें i कैप वाला कंपोनेंट कैलकुलेट करोगे ना, तो इसको और इसको डिलीट किया, तो डेल ओवर डेल y अब 0 0 हो गया और डेल n ओवर डेल z ये भी 0 हो गया, क्योंकि n केवल x और y का ही फंक्शन है, तो i वाला कंपोनेंट 0 हो गया। और j कैप वाला इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप जे कैप वाला निकालोगे ना, डेल जीरो ओवर डेल एक्स ये जीरो हो गया और डेल एम ओवर डेल जेड ये भी जीरो हो गया, क्योंकि एम एक्स और वाई का ही फंक्शन है, तो ये भी जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास कंपोनेंट बचता है ना फ्रेंड्स, वो के कैप वाला बचता है, तो के कैप इसको लिख सकते हो डेल एम ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, तो डेल एम ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई। तो सिंपल आप लर्न भी कर सकते हो टू डायमेंशनल वेक्टर फील्ड का कर्ल कैसे निकाला जाता है, इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया माइनस इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया और के कैप लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये टू डायमेंशनल वेक्टर फील्ड का कर्ल हो गया। अब कुछ क्वेश्चन देख लो आप, एक इसका एग्जाम्पल लिख लो, मैंने एग्जाम्पल बनाए हुए फ्रेंड्स, तो जैसे आप पहले फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कैलकुलेट कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर। ठीक है फ्रेंड्स, आर वेक्टर वही हमारा स्टैंडर्ड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी शायद लास्ट ईयर्स में पूछा गया है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे को इस वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालना है ना, तो पहले मैं एक क्रॉस आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए मेरे पास कोई एक वेक्टर है, ए को मैं मान लेता हूँ ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री जे कैप। ऐसे भी लिखते हैं हम किसी वेक्टर को, यहाँ आई कंपोनेंट लिख देते हैं, यहाँ जे कंपोनेंट लिख देते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स हम के कंपोनेंट लिख देते हैं। तो देखो ए क्रॉस आर क्या हो जाएगा, आई जे के ए वन ए टू ए थ्री। ठीक है फ्रेंड्स, x, y और z, तो देखो i कैप क्या हो जाएगा a टू z माइनस a थ्री y। फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी निकल जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब ये सबसे आसान तरीका है कि कर्ल ऑफ a क्रॉस r कैसे निकालते हैं जल्दी से, तो माइनस j कैप। फ्रेंड्स आपको डिटरमिनेंट निकालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए और आई थिंक इतनी प्रैक्टिस तो सबकी होती है, तो j कैप जब आप निकालोगे
तो a1z माइनस a3x प्लस k कैप a1y माइनस a2x, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि मेरे को इस वेक्टर फील्ड का माइनस j कैप a1z माइनस a3x k कैप a1y माइनस a2x, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब एक a क्रॉस r की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे इस वेक्टर फील्ड का क्या निकालना है? कर्ल। तो कर्ल का फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए हैं ना फ्रेंड्स, कैसे निकालते हैं? i j k डेल ओवर डेल x डेल ओवर डेल y डेल ओवर डेल z। यहां अब x कंपोनेंट क्या है? a टू z माइनस a थ्री y। j कंपोनेंट क्या है? अब ये माइनस आ गया ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं a थ्री x माइनस a वन z। और k कंपोनेंट क्या है? a वन y माइनस a टू x a1y माइनस a2x, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना फ्रेंड्स। अब देखो i कैप मैं बता रहा हूं कैलकुलेट करके, ठीक है। डेल ओवर डेल y, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो a1 आ गया, इसका जीरो हो गया, माइनस डेल ओवर डेल z, तो माइनस, और यहां पर माइनस a1 आ जाएगा, तो a1 माइनस माइनस a1 यानी 2a1, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से जब आप j कैप में निकालोगे ना फ्रेंड्स वैल्यू, तो अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को तो डिलीट कर देते हैं। डेल ओवर डेल एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी, तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी निकालोगे तो ये जीरो हो गया, a1 y का डेल ओवर डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, माइनस a2 x का हो गया माइनस a2 माइनस डेल ओवर डेल z ऑफ, जब आप इस पर अप्लाई करोगे तो a2 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये माइनस 2a2 हो जाएगा फ्रेंड्स, और माइनस 2a2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से फ्रेंड्स जब आप k कैप में निकालोगे ना फ्रेंड्स, तो 2a3 आ जाएगा, और पूरे से मैं 2 बाहर ले सकता हूं, तो ट्वाइस ऑफ a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, तो ये क्या हो गया 2 into a वेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो कर्ल ऑफ a क्रॉस r है ना, मेरे पास अल्टीमेटली आ गया 2 into a वेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम एक और वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालते हैं, उसके बाद हम कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड के कांसेप्ट पर आएंगे। और फ्रेंड्स एक छोटा सा कंसेप्ट आप देख लो कि अगर फ्रेंड्स हमारा कर्ल ऑफ f अगर जीरो हो ना फ्रेंड्स, तो जो हमारी वेक्टर फील्ड है ना f, उसे हम बोलते हैं इररोटेशनल वेक्टर फील्ड। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना, तो आपको बताऊंगा कि कर्ल ऑफ f जीरो होता है तो वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव होती है। अभी आप इररोटेशनल का कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जैसे मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दूं कि चेक वेदर द फॉलोइंग फील्ड फॉलोइंग वेक्टर फील्ड इज इररोटेशनल और नॉट, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई वेक्टर फील्ड लिख दी एफ, ठीक है फ्रेंड्स। एक्स जेड आई कैप प्लस एक्स वाई जेड जे कैप, ठीक है फ्रेंड्स। ये एज इट इज मेरे पास क्वेश्चन नोट किया हुआ है, तो माइनस वाई स्क्वायर की कैप, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका कर्ल हम निकाल सकते हैं ना, अभी हमने कर्ल निकालना सीखा है। कर्ल ऑफ f कैसे निकालते हैं? आई जे के डेल ओवर डेल x डेल ओवर डेल y डेल ओवर डेल z, ठीक है फ्रेंड्स। एक्स जेड एक्स वाई जेड और माइनस ही वाई स्क्वायर का फ्रेंड्स, ठीक है। तो माइनस वाई स्क्वायर, तो अब आप जब इसकी वैल्यू निकालोगे ना फ्रेंड्स, तो देखो आई कैप की वैल्यू क्या आएगी, बड़े आराम से देखो आई कैप का। अब देखो डिटरमिनेंट अगर किसी को सॉल्व करना नहीं आ रहा तो वो भी सुन लो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, डेल ओवर डेल वाई क्या होगा माइनस टू वाई, माइनस डेल ओवर डेल जेड क्या होगा एक्स वाई, माइनस जे कैप डेल ओवर डेल एक्स क्या होगा जीरो, डेल ओवर डेल जेड क्या होगा एक्स, प्लस के कैप थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया क्या आ जाएगा वाई जेड,
माइनस क्या जाएगा जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी जो वेक्टर फील्ड है ना फ्रेंड्स, उसका जो कर्ल है ना वो ये आ रहा है, ये जीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को जीरो होना है तो उसके तीनों कंपोनेंट्स को जीरो होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी वेक्टर फील्ड इरोटेशनल नहीं है, क्योंकि इसका नॉन जीरो कर्ल आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ऐसे चेक करेंगे कि वेक्टर फील्ड, तो आपको अगर वो कर्ल निकालने को बोले किसी वेक्टर फील्ड का, आप निकाल सकते हो ना। तो अब हम जान चुके हैं कि कर्ल का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है। अब आप एक लैप्लासियन और देख लो, फिर उसके बाद कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का कॉन्सेप्ट देखेंगे और डाइवर्जेंस का, लैप्लासियन, इन सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,